भाजपा के प्रधानमंत्री पद के उम्मीदवार और गुजरात के मुख्यमंत्री नरेंद्र मोदी के शादीशुदा होने का खुलासा होते ही चुनावी घमासान में विपक्षी दलों को एक नया मुद्दा मिल गया है। पहली बार लोकसभा चुनाव लड़ रहे 63 साल के नरेंद्र मोदी ने अपने नामांकन दस्तावेजों में पत्नी के स्थान पर जशोदा बेन का नाम लिखा है। अब से पहले साल 2001, 2002, 2007 और 2012 में चार बार विधानसभा चुनाव में नामांकन में उन्होंने अपने वैवाहिक स्थिति के कॉलम को खाली छोड़ दिया था। बुधवार देर रात वडोदरा के निर्वाचन कार्यालय ने जब मोदी के नामांकन की सूचना सार्वजनिक की तो मोदी के शादीशुदा होने का मुद्दा गर्मा गया। मुद्दे को लपकते हुए कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने ट्वीट किया, महिलाएं एक ऐसे आदमी पर कैसे भरोसा कर सकती हैं जो किसी महिला का पीछा करवाता हो और पत्नी को अधिकार से वंचित रखता हो। इस मामले पर कांग्रेस के शब्दबाण यहीं नहीं रुके और वडोदरा से मोदी के खिलाफ चुनाव लड़ रहे कांग्रेस प्रत्याशी मधुसूदन मिस्त्री ने भी मोदी पर इस मुद्दे पर कटाक्ष किया। जो नेता अपनी पत्नी को नहीं ख्याल कर सकता, देश का ख्याल कैसे करेगा। इस बीच मोदी के परिजनों ने भी इस मुद्दे पर सफाई दी है। उसमें उन्होंने ना भी नहीं किया है, यानी उन्होंने उसका इनकार भी नहीं किया। तो वहीं मोदी का बचाव करते हुए भाजपा नेता आरती मेहरा ने कहा कि ये मामला उनकी निजी जिंदगी से जुड़ा हुआ लगभग 45 साल पुराना मामला है जो मौजूदा हालात में कोई जगह नहीं रखता है। उनकी पत्नी ने आज तक कभी उनपे इस तरह का कोई भी एक भी प्रश्न उन्होंने नहीं उठाया कि उन्होंने किसी तरह की जाति की हो, किसी तरह से उनके साथ गलत। हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने निर्देश दिया था कि कोई भी उम्मीदवार चुनाव आयोग को दिए हलफनामे में पत्नी की संपत्ति के कॉलम को खाली नहीं छोड़ सकता, ऐसे करने पर उसकी उम्मीदवारी खारिज हो सकती है। यही वजह है कि नरेंद्र मोदी को इस बार जशोदा बेन का नाम लिखना पड़ा है। हालांकि मोदी ने हलफनामे में पत्नी जशोदा बेन की संपत्ति के बारे में कोई जानकारी नहीं होने की बात लिखी है। इस साल फरवरी में द इंडियन एक्सप्रेस को दिए इंटरव्यू में जशोदा बेन ने मोदी के साथ शादी होने की बात की पुष्टि की थी। उन्होंने कहा था कि 1968 में जब वो 17 साल की थी तब उनकी शादी नरेंद्र मोदी के साथ हुई थी। उन्होंने कहा कि वो दोनों लगभग 3 साल साथ भी रहे, लेकिन इतने साल अलग रहने के बावजूद दोनों का औपचारिक रूप से तलाक कभी नहीं हुआ। अब देखना यह है कि क्या इस प्रकार की जानकारी अभी तक सार्वजनिक न करना किसी तरह से कानूनी रूप से मोदी के खिलाफ जा सकता है या नहीं। आरेंद्र प्रताप सिंह, डीडी न्यूज़।